हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी उड़द दाल की सेमी, ठीक है, या नमक पारे, उड़द दाल के नमक पारे। तो देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी है। देखिए अंदर तक बिल्कुल सिकी हुई, बहुत टेस्टी, देख सकते हैं। ये देखिए एकदम से मैश कर रहे हैं, मैश हो जा रहा है, इतना खस्ता एवं क्रिस्पी। और गाइस, इसकी खासियत यह है कि बच्चे तो यूं ही खाते रहेंगे, खाली जो मैदे की सेमी बनाते हैं हम लोग तो वो ज्यादा हमारे नुकसान कर जाती हैं, हमारे पेट के लिए सही नहीं होती हैं। और इसमें दाल है, इस वजह से ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो आप लोग पूरी देखें। और गाइज, इनकी सेल्फ लाइफ 1 महीने से ज्यादा है, आप 1 महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है जिसमें लगभग बैक टू बैक 5 त्योहार आते हैं जिनमें टाइम बहुत होता है, रोज रोज नाश्ता नहीं बना के मिलता। तो ये आप एक बार बना के रख लें और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी इनको। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। चलिए आज एक नई रेसिपी देख लेते हैं, उसी दाल से जिसका हमने पाउडर बना के रखा था, आज हम बनाएंगे उसी दाल से कि नमक पारे। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए गाइस, हमने वही दाल ले ली है, हाफ कटोरी दाल। तो इसको भी हम भिगो के रखेंगे लेकिन गर्म पानी से, ठीक है, वार्म वाटर। ये देखिए इस तरह से हम इसमें लेंगे और इसको भिगो देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से हमारी फूल जाए, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ये देख रहा है, अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन ये कुछ पतला नहीं है, ये सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसको हम भिगो के रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद में हम फिर मिलेंगे आपके। ये देखिएगा, 15 मिनट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि कितना सख्त हो गया ये हमारा, ठीक है। तो अब हम इसमें लेंगे ये 1 कटोरी मैदा, ठीक है, और अब इसमें हम डालेंगे मोयन, क्योंकि करने के लिए मोयन बहुत जरूरी है। तो हम 1 स्पून डालेंगे इसमें मोयन, पूरा 1 स्पून डाल देंगे, बड़ा सा है। अगर आप नॉर्मल स्पून से मिलाएं तो 4 से 5 स्पून, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा सर्विंग स्पून है तो इसी से हमने डाला हुआ 1.5 स्पून, और आप खाने वाली अगर स्पून मिलाएं तो उसमें हो जाएगा 6 से 7 स्पून, ठीक है। और इस तरह से हम सब आपस में बिल्कुल इसको मिला लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे, देखिए क्या डालते हैं, और भी सामान डालना है इसमें थोड़ा सा, वैसे तो दाल में हमारी अपने आप सब कुछ है बट फिर भी इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे। ये देख सकते हैं अजवाइन जो 1/2 टेबल स्पून है, इसको मैश करके डालेंगे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए। मिर्च अपने हिसाब से आप ले लें, ठीक है, और बाद बाकी अब कुछ नहीं हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इन सबको अब हम आपस में मिला लेंगे और फिर इसी गुनगुने पानी से हम टाइट डो लगा लेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें मोयन पड़ा है तो बहुत ज्यादा इसमें पानी ऐड नहीं होगा। तो देख सकते हैं अभी हमने 1 स्पून डाला है गाइस, नमक नहीं डाला हुआ है अभी हमने। ये देखिए गाइस, स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि दाल में हमारा नमक था इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ डो के हिसाब से नमक डाला है, मैदे के हिसाब से, ठीक है। तो इसको अब हम अच्छे से स्मूथ गूंथ लेंगे, ठीक है, पानी डालते हुए। देखिए 1 स्पून अभी हमने डाला था पानी, ठीक है, तो थोड़ा सा और हम पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, 1/2 स्पून, ठीक है, 1/2 स्पून डालकर इसमें और अच्छे से डो लगाएंगे। देख सकते हैं गाइस, डो लगकर रेडी है। तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे ढक कर रख देंगे, फिर इसकी हम बनाएंगे सेमियां। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है, गोल बेल लेंगे। और देखिए इसमें मोयन होता है तो इसलिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बेलेंगे, जितना पतला चाहिए आपको उतना ही पतला आप कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं हो गया है, ठीक है, एक सा हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसकी, ये देखिए कितना थिक है,
इतना ही पतला। तो इसको अब हम जैसे सेमियां काटते हैं, ये देखिएगा ऐसे नाइफ ले लेंगे अपने हिसाब से, जितनी मोटी या जितनी पतली आपको सेमी काटनी है आप आराम से काट लीजिए इस तरह से। अब ये देखिएगा इस तरह से हम कट करेंगे इसको, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी सेमियां सेमी बनकर तैयार हैं ये, और चलिए अब देखते हैं कि क्या करना है। ये देखिए गाइस हमने ऑयल पहले ही रख दिया था, तो इसमें हम डाल के देख लेंगे। ये देखिए हमारी हो गई है, देखिए डालते ही ऊपर नहीं आया, बबल्स आए हैं खाली। तो ये अपनी सेमियां धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे इसी तरह से, ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए गाइस इस समय पर फ्लेम बिल्कुल धीमी है, ठीक है, और इनको बहुत आसानी से, ज्यादा नहीं इनको छेड़ना है वरना मुड़ जाएंगे ना अच्छे से। तो इनको धीमी फ्लेम पर इसे सिकने देना है, कम से कम 2 मिनट तक इन्हें टच नहीं करना है, ऐसे ही सिकने देना है, ठीक है, 2 मिनट बाद मिलता। ये देखिए गाइस कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्लेम भी दिखा दें, देखिए बहुत धीमी फ्लेम है, बिल्कुल बिल्कुल धीमी फ्लेम है। तो इसी धीमी फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए 1 मिनट हो चुके, 2 मिनट हो चुके हैं। तो इनको अब हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे फर्श लगा के इसको हम हिला देंगे और फिर हम पका लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी हो चुकी है, इनका कलर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सारियों को हम निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं गाइस इनका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है। और ये देख सकते हैं गाइस ये मैदे से जो बनती हैं सेमियां उनसे तो बहुत 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 अच्छी है और बहुत टेस्टी है, उनका क्रिस्प सुन सकते हैं आप, देख सकते हैं। और इसी तरह से अब हम दूसरा बैच भी सेक लेंगे। ये देखिएगा ऐसा हमने दूसरा बैच भी डाल दिया है, तो इसको भी अब सिक जाता है उसी तरह से सेकेंगे धीमी फ्लेम पर और ये भी सिक जाता है। फिर मिलते हैं आके आपसे। देख सकते हैं गाइस आज की रेसिपी हमारी है सेमी, ठीक है। देखिए आप जो खाली मैदे की सेमी बनाते हैं उससे ये काफी हेल्दी है, क्योंकि इसमें दाल भी है इस वजह से। तो आप ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है और अंदर तक बिल्कुल सिकी हुई है, देख सकते हैं गाइस अंदर तक लेयर कितनी क्रिस्पी है। और ये देख सकते हैं आराम से टूट रही है, ये देखिए कितनी जल्दी मैश हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो इतनी टेस्टी रेसिपी बनाई है हमने आप लोगों के लिए। तो देखिए दीपावली ऐसा है फेस्टिवल होता है जिसमें लगातार बैक टू बैक कम से कम 5 फेस्टिवल होते हैं, उस टाइम पर बार बार बनाना नाश्ता वगैरह थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। इस वजह से ये नाश्ते आप बना के रख लें, और ये सब नाश्ते जितने हम बता रहे हैं ये आप 1 महीने तक आराम से बना के रखें और इंजॉय कर लें, बिल्कुल खराब नहीं होने वाले, बस एयर टाइट जार में भर लें जिससे कि सीलन ना आए, बाद बाकी आप 1 महीने तक इंजॉय करें, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।